फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क के लिए जाने जाता देश है। यहाँ पे कुल 155,000 प्लस पोस्ट ऑफिस है, जिनमें से कई सारी पोस्ट ऑफिस पानी में तैरती भी है। जी हाँ, हमारे देश में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है जो झील या नदी के किनारे तैर भी सकती है। पहली बार फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन अगस्त 2011 में श्रीनगर के दाल लेक कश्मीर में किया गया था। हर साल औसतन 7,000 प्लस लोगों को सेवा प्रदान करता ये पोस्ट ऑफिस आज तक भी मजबूत है। बांद्रावली सीलिंग, बांद्रा टू वली मुंबई। बांद्रावली सीलिंग समुद्र में फैला हुआ ये ब्रिज भारत का सबसे पहला केबल्ड ब्रिज है। 1600 करोड़ की लागत से निर्मित इस ब्रिज के निर्माण में यूज होने वाली स्टील वायर की लंबाई पृथ्वी के परिघ जितनी है, जबकि इसका वजन 50,000 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है और लंबाई कुतुब मीनार से 63 टाइम्स ज्यादा। द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। जब कभी भी हम इंडियन के पास क्रिकेट की बात आती है तो हमारा मन उमंग से खोल उठता है और प्राउड फील करता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड की। हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित ये क्रिकेट ग्राउंड 2,444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि समुद्र की सतह से 8,018 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पटियाला के महाराज उपिंदर सिंह ने अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए यह ग्राउंड 1893 में बनाया था और आज ये मैदान भारतीय सेना के अधिग्रहण में है और चेल मिलिट्री स्कूल का एक भाग है। शैम्पूइंग इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। क्या आपको पता है शैम्पू का आविष्कार भारत में किया गया था? शैम्पू खुद ये शब्द संस्कृत के चंपू यानी कि चंपी से आया है और जिसका अर्थ मालिश करना मसाज है। भारत में शुरुआती समय में शैम्पू को गुसबेरी आंवला सोपबेरी ट्री जिसका संस्कृत शब्द क्षण है, उस पेड़ के छिलके को बॉईल करके और उसमें उसी पेड़ के फल का रस डाल के शैम्पू को बनाया जाता था। थोड़ी औषधि जैसे कि हिबिस्कस गुड़हल का पाउडर, रीठा और अर्कू भी डाला जाता था। जब ब्रिटिश काल में व्यापारी भारत से यूरोप लौटे तो शैम्पूइंग का कॉन्सेप्ट भारत से लेकर गए। ध्यानचंद वॉज ऑफर्ड जर्मन सिटीजनशिप। हर साल इंडिया में 29 अगस्त को इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का प्रतीक है। ध्यानचंद को अपनी शानदार गेंद की नियंत्रण के लिए द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। 1936 बर्लिन ओलंपिक में इंडिया वर्सेस जर्मनी की हॉकी टीम का एक मैच था, उसमें 8-1 से जर्मनी को हराकर ध्यानचंद और उसकी टीम ने भारत के लिए गोल्ड जीता। उस खेल को देखने 40,000 से भी ज़्यादा लोग और स्टेडियम में नाजी अधिकारी जैसे कि हिटलर भी मौजूद थे। एडोल्फ हिटलर के हताशा में स्टेडियम छोड़ने के साथ ये खेल समाप्त हुआ। अगले ही दिन चंद को एक लेटर आया और वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि ये संदेशा ताना से हिटलर का था और वे उन्हें मिलना चाहते थे। हिटलर ने चंद का स्वागत किया और इंडिया में वे क्या करते हैं ये पूछा। उसके बाद हिटलर ने जर्मन सिटीजनशिप की ऑफर दी, साथ में जर्मन मिलिट्री में उच्च पद और जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने का न्योता देने का वादा दिया। हालांकि चंद ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया।